नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ प्रेरणा। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज कई प्रकार की स्वास्थ्य स्थितियों का कारण बन सकता है? इस परेशानी में समय से पहले बालों का झड़ना भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बालों का झड़ना आमतौर पर तब ज्यादा नजर आने लगता है जब आपके सिर पर नए बाल नहीं उग पाते। डायबिटीज में बालों के झड़ने के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें सबसे आम है एलोपेसिया एरेटा। एलोपेसिया एरेटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो स्कैल्प सहित शरीर के अलग अलग हिस्सों में बालों के झड़ने का कारण बनता है। दोस्तों, डायबिटीज से पीड़ित लोगों में तनाव की समस्या काफी देखने को मिलती है, जिससे शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो बालों के झड़ने का कारण बनता है। आज हम बता रहे हैं कि डायबिटीज की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए। दोस्तों, ब्लड शुगर के लेवल के बढ़ने से कई परेशानियां होती हैं, जैसे नर्व डैमेज, किडनी में समस्याएं और बालों के झड़ने की समस्या पैदा होती है। हेल्दी और संतुलित डाइट किसी भी परेशानी से निपटने में काफी कारगर होती है। आप अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और कम फैट वाले प्रोटीन फूड को शामिल कर सकते हैं। एक संतुलित डाइट खाने से आपके बालों के झड़ने को कम करने में मदद मिल सकती है। दिन में पर्याप्त पानी के साथ अन्य तरल पदार्थ पीने से शरीर के साथ आपका स्कैल्प भी हाइड्रेटेड रहेगा, जिससे बालों का झड़ना कम हो सकता है। शारीरिक तौर पर एक्टिव रहने से ब्लड शुगर नियंत्रण में सुधार होता है और तनाव भी कम होता है, जिसका सीधा सकारात्मक असर आपके बालों पर देखने को मिलता है। दोस्तों, तनाव हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या होती है। मेडिटेशन और योग करने से तनाव को कम किया जा सकता है। अपने बालों पर माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करें। इसके अलावा ऐसी टाइट हेयर स्टाइल ना बनाएं जिससे आपके बाल खिंचे। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा शो मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।